वैसा वैसा ही उपद्रव करेगा, वैसा वैसा ही कर्म करेगा जैसा उसकी बुद्धि और विवेक होगा। जिस ग्रह के हमारे बुद्धि विवेक क्रूर भी हैं, सौम्य भी हैं, अति सौम्य भी ग्रह हैं, उन ग्रहों के द्वारा ही ये ऐसा इस भूमंडल पर होगा। और ये वाक्य चरितार्थ होंगे, सत्य होंगे, क्यों ये किसी प्रकार से नहीं, ये हमारा लक्ष्य रहा है कि अपने अनुसरण करने वालों के लिए, प्रेमियों के लिए, कि देश का संपूर्ण भविष्य किसानों से लेकर के, राज्य से लेकर के और नौकरी पेशों से लेकर के, आम जनता के लिए, भक्त और साधु के लिए, सबके लिए ये आगाह कराया जाता है, अर्थात पूर्व सूचना दी जाती है, ऐसा होगा, इसलिए उससे बचने के लिए हमें धर्म कर्म में रहना ही चाहिए, इससे हमारी रक्षा होती रहे। सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, सर्वे ग्रह नवग्रह, नौ ग्रह उस आदमी के लिए, उस जीव के लिए अशुभ होते हुए भी सुख फल देने लग जाती हैं जो धर्म में रहता है। जैसे रावण के लिए अनेकानेक प्रकार के वरदान थे, पर वो वरदान उसको साफ हो गए, कुल खानदान का नाश हो गया। और किसी के लिए श्राप, जैसे अहिल्या के लिए श्राप था पर उसके लिए वरदान हो गया कि भगवान की चरण रज मिल गई। तो इस तरह धार्मिक जीवों के लिए श्राप भी वरदान बन जाता है और अधर्मी जीवों के लिए वो वरदान भी श्राप का कारण बन जाता है। इसलिए आप लोगों से यही आदेश, निर्देश या आकाशीय मीटिंग या भूमि मंडल का भविष्य ये कहा गया है, इसमें हमारी कृपा, हमारा वरदान, हमारा वरद हस्त आप लोगों के सदा साथ रहेगा, आप लोग धर्म के अनुबंधित रहें। ये कहना, जिसका आपका नाम है सिद्धदाता, सिद्धदाता का अर्थ आप जानते हैं कि सिद्धों को भी देने वाला, जो परम सिद्ध हैं, संत हैं, तपस्वी, मुनि, ऋषि, योगी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि आदि, महाकाली, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, जो जितने भी हैं उनको भी देने वाला, उनको भी दाता अर्थात उनको भी मंगला 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 नाम यो, मंगल करने वाले देवताओं के ऊपर भी मंगल करने वाला, वरदान देने वालों के ऊपर भी वरदान देने वाला, क्योंकि उनको अगर वरदान वो नहीं देगा तो वो वरदान आके क्या देंगे। ये आदेश, ये निर्देश जो आपका सिद्धाता आश्रम है, उसका परम शक्ति, परम आराध्य देव, परम इष्ट देव, या जिसको आप बाबा कहकर के अनजाने में पुकारते हैं, या आपके अनजाने में ये शरीर नहीं मिलता है तब भी आपका दरबार साहब, अब दरबार साहब में यही है जो आप लोगों से कह गया है, ये आपकी अनन कणकण में जहाँ भी होता है वहाँ से प्रार्थना को सुनता है, इतना सर्वव्यापी है। और उस सर्वव्यापी के ये आदेश है, और ये मुझे स्मृति भी है कि उन्होंने कहा है, पर उनका एक ही इस वर्ष में सबसे बड़ा अनुभव मैंने किया है, ये पहली बार कहा है कि मेरा बरदहस्त आप लोगों के साथ रहेगा, इससे मतलब है कि आप लोगों से बहुत 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 वो खुश हैं, तभी तो ऐसा कहा नहीं, क्यों कहते। तो ये मुझे इस शरीर सुदर्शनाचार्य को भी खुशी है कि मैं भी उनसे बार बार यही प्रार्थना करके आया हूँ या प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप लोगों की श्रद्धा को ठेस ना पहुँचे, आप लोगों की भावनाओं को कुचले न जाए, आपकी भावनाएं उत्तम हों और आपकी भावनाओं के अनुकूल आपकी व्याधाओं का समन हो, आपको धन प्राप्ति हो, यश प्राप्ति हो, ऐसे में प्रार्थना सदा करता हूँ। आप लोगों का ये मानना है गुरु महाराज नहीं मिल रहे इन दिनों में, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, दिनों का कोई मेरा अर्थी नहीं है, मैं तो हमेशा ही आपसे मिलता ही रहता हूँ, मिलता ही रहूँगा, कहाँ दूर हूँ। पर यह कि मानवीय बात है कि नहीं मिल रहे हैं, वो जो मुझे भी दे रहा है, आप लोगों को भी दे रहा है, इस स्थान को भी दे रहा है, सबको दे रहा है, वो सिद्धदाता है, वो सिद्धदाता आपके इस आश्रम के अंतर्गत हर कण कण में समाया हुआ है और वो समाया ही रहेगा। और उसकी जो भी अग्रिम योजना है वो बहुत अच्छी है। नाथ या मुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा।
यो नित्य मच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदिदानि वितराणि मेने अस्मद्गुरोर् भगवते सुदयैक सिन्धो श्रीरामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदहु गुरुपद पदम परागा अरि सूरज सुवास सरित अनुरागा मोह दलन तम सो सुप्रकाश बड़े भाग उर आवही जासु उगरही बिमल विलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के जो के रक्षक गुरु भनी अरे करे कहा सकी और हरी रूठे तो ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर ये तन बिस की बेलड़ी तो गुरु अमृत की खान शीश दिया अगर गुरु मिले तो भी सस्ता ही तो जान गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में ये नई प्रथा नहीं है जिसके लिए लोग गुरु डम कहते हैं गुरु प्रसाद कहते हैं या गुरु के लिए दलाल एजेंट भगवान का कहते हैं ये सब निरर्थक बात है। ये प्रपंचियों की बात है विद्वानों की नहीं, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टिकाल के प्रारंभ में कमल के द्वारा भगवान ने उत्पत्ति की, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। गुरु के बिना वो भी सृष्टि का पालन नहीं कर पाए और बहुत समय तक उनको उस गुरु मंत्र का जप करना पड़ा। उस भगत में गुरु आदि गुरु के नाम से जाने गए जो भगवान श्रीमन्नारायण ही स्वयं थे। उन्होंने उनके लिए एक शब्द का उच्चारण किया, नारह एनम यश्यान्ते स एव नारायण, अर्थात जल में ही जिनका निवास है एते नारह। दूसरा भी अर्थ उन्होंने विद्वानों ने किया, नारह नाल के द्वारा ब्रह्मा जी वापस गए और यण पर जाकर के समाप्त हुए तो कहा कि इसी मंत्र का जप करो जाकर। तो ये अनादिकाल से ही गुरु और शिष्य की परंपरा चली आई है। गीता में भी गुरु और शिष्य की परंपरा देखने को प्राप्त होती है, मिलती है, श्लोकों में प्राप्त होती है। शिष्यस्ते हम शादि महत्व प्रपन्न, मैं आपका शरणागत शिष्य हो गया हूं। तो गुरु शिष्य की परंपरा तो अनादिकाल से है, क्योंकि गुरु के बिना भव सागर से पार होना संभव नहीं माना जाता, नहीं हुआ जाता। आप हम कितने भी जप करें, यज्ञ करें, दान करें, पुण्य करें और कर्म करें, उनका अस्तित्व नगण्य ही माना जाता है, बिंदु ही माना जाता है। जब तक अक्षर नहीं लगता बिंदु का अस्तित्व नहीं होता, अक्षर के उपरांत ही बिंदु का अस्तित्व होता है। इसलिए गुरुडम वाली बात नहीं है, गुरु कोई एक परंपरा नहीं है, गुरु किसी प्रकार का शिष्य का धन हरण करने के लिए नहीं है, मान हरण करने के लिए नहीं है,
उनको किन्हीं प्रकार का कष्ट देने के लिए नहीं है। वो ये भौतिकवाद के सुख हमें कमती मिले, ज्यादा मिले, बहुत मिले, ये अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों का ही फल है। परंतु अग्रिम आगे चल करके हम यम की यातनाओं एवं अनेकानेक प्रकार के कष्टों को बहन न करें और हम मोक्ष गति को प्राप्त हों, सदगति को प्राप्त हों और श्रेष्ठ गति को प्राप्त हों। इसी में गुरु का विशेष प्रकार से योगदान है या कृपा है। समर्थ गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का काम करता है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हो सकता। मानव एक हो और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों गुण समाहित हों, ये संभव सा नहीं लगता, असंभव ही प्रतीत होता है। परंतु इन तीनों के गुण जिस संत में जहां पर उपलब्ध हों, मिलते हों, ब्रह्मा के गुण मिलते हों अर्थात सृष्टि की अभिवृद्धि, अपने शिष्य के यहाँ संतान का अवरोध या संतान न हो, मृत्युगत हो जाती हो, उसको रोकने की ताकत हो, विष्णु के समान पालन करने की ताकत हो, शिव के समान अपने शिष्यों के पापों के संहार करने की ताकत हो, जहाँ ये तीनों चीजें उपलब्ध होती हैं, मिल जाती हैं, वहाँ गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वर है, ये शब्द चरितार्थ होते हैं, सत्य होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे प्रेमियों, गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में इसलिए पड़ी कि आप ये मानेंगे ही कि भय के बिना विद्या नहीं मिल सकती। जब तक अध्यापक, प्रधानाध्यापक अपने शिष्य के लिए भय नहीं दिखाएगा, ये काम दे रहा हूं, कल नहीं होगा तो स्कूल से निकाल दूंगा, और भय के बिना प्रीति, भय के बिना विद्या, भय के बिना ज्ञान, भय के बिना भवसागर पार होना, ये पांचों छहों चीजें उपलब्ध नहीं होती, मिलती नहीं भय के बिना, अर्थात बिना भय के ये चीजें प्राप्त नहीं होती। और गुरु का एक शिष्य और शिष्या का गुरु के प्रति एक भय ही तो है, और उस भय के द्वारा भजन बन जाता है, भय के द्वारा दान बन जाता है, भय के द्वारा यज्ञ बन जाता है, भय के द्वारा और काम हो जाते हैं। ये भय सांसारिक नहीं, उस परमात्मा की प्राप्ति का भय है, इसलिए गुरु की आवश्यकता विशेष रूपेण प्राप्त होती है। आप हम सब मिलकर के भगवान श्रीमन्नारायण की ध्वनि कर लें, क्योंकि मानव जीवन का औचित्य, मानव जीवन की सार्थकता, मानव जीवन का लक्ष्य एक यही तो है।